अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से ही रखें। मैंने आज आप लोगों के साथ एक आर्टिकल शेयर करना है, जो कि मैंने एक ड्रेस लिया था सर्दियों के लिए, और ये जो इसका स्टफ़ है ये वेलवेट का है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि सर्दियों में वेलवेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, पहनते हैं लोग, तो इसलिए अगर ये इकोनॉमिकल प्राइस में मिल रही हो, रीज़नेबल हो इसकी प्राइस, तो फिर ड्रेस जो है वो हर कोई ख़रीदना चाहता है, जिसका काम भी अच्छा हो, स्टफ़ भी अच्छा हो। तो मैंने लिया था और मुझे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ये आर्टिकल। ये मैंने लिया है, बेसिकली रमशा है ब्रांड, आप लोगों ने कुछ काफ़ी लोग में भी जानते भी हों, और जो नहीं भी जानते उनके उनके साथ भी मैं शेयर करूँगी और रिव्यू करूँगी कि कैसा इनका स्टफ़ रहा और कैसे क्या प्राइस वगैरह है और लेना चाहिए आप लोगों को या नहीं। तो ये जो है ये इनका आउटलेट बेसिकली नहीं है, तो इनका जो है ये प्रॉपर कोई आउटलेट नहीं है, लेकिन इनकी शॉप्स अवेलेबल हैं कुछ जगहों पे, जहाँ पे जो है वो ये ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो मैंने जो ये ड्रेस लिया है ये रावलपिंडी में राबी सेंटर के पास जो है ये शॉप्स बनी हुई हैं, मतलब मुख्तलिफ शॉप्स हैं जो कि इनके बेसिकली रीसेलर्स होते हैं, वहाँ से मैंने लिया है। तो राबी सेंटर में भी पिंडी में जो है वो 1-2 करके बहुत सारे राबी सेंटर्स बन गए, लेकिन जो मेन वाला राबी सेंटर है उसके साथ ही शॉप्स हैं बहुत सारी, उसमें जो है रमशा के नाम से ये शॉप है, वहाँ से इनके जो है वो ड्रेसेस मिल जाते हैं, तो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में है। मैं आप लोगों को सारा जो है वो दिखाऊंगी भी, इसका काम भी, स्टाफ भी कि ये कैसा है, और इसके अलावा बातें साथ से चलती रहेंगी, तो मैं आप लोगों को जो है वो दिखाती हूँ। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें ये पूरा इन्होंने दिखाया हुआ है इस ड्रेस को, इसका जो इसकी जो मेन शर्ट है वो वेलवेट की है। तो सबसे पहले जो है वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को शर्ट, क्योंकि ट्राउज़र और दुपट्टा जो है वो वेलवेट में नहीं है। तो ये शर्ट है, शर्ट का जो है मैं इस तरह से आपको रख के दिखा रही हूँ, मैं हैंग करके नहीं आप लोगों को पूरा, क्योंकि मेरे पास उस कैमरा अवेलेबल नहीं है जो कि मैं कंप्लीट आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन जो पर्पस है वीडियो का वो यही है कि मैं आप लोगों को जो है इसका काम दिखाऊं कि काम कितना नीट है और स्टफ़ कैसा है। तो वो मैं आप लोगों को क्लोजअप दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत नीट काम है, ये आप देखें इसका काम कितना नीट है, और इसके अलावा जो कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज़ किया हुआ है वो कितना अच्छा है। तो ये आप देखें बेस के साथ जो है वो सारे कलर्स कितने कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कितना नीट काम है, और इसमें जो काम हुआ हुआ है वो आप देखें, ये धागे का काम हुआ है इसके अंदर, और तिल्ला इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो जो मेन है वो कलर यहाँ पे पर्पल है, तो उन्होंने इसी तरह से डल गोल्डन का और लाइट पर्पल कलर लेके, लाइट ग्रीन कलर है उसका कॉम्बिनेशन किया हुआ है, तो सारे कलर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, और बेस के साथ इन्होंने किया हुआ है धागा, धागे का काम भी बहुत नीट है, कुछ जगहों पे सितारा यूज़ किया हुआ है, बाकी तिल्ला उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत नीट काम है। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इस तरह से है पूरा, और ये फ्रंट तक जा रही है, फ्रंट से आप देखें ये ऊपर गला बना हुआ है, गले से नीचे तक ये पूरी कंप्लीट शर्ट आप देख सकते हैं, ये शर्ट का व्यू है कंप्लीट। तो ये बहुत नीट और बहुत अच्छा काम यहाँ इन्होंने किया हुआ है शर्ट पे। इसके अलावा ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये इसकी लेंथ है टोटल, अगर आप लेंथ देखें तो वो भी काफ़ी मतलब नॉर्मल है, ये नहीं है कि आप मतलब कम है या नहीं बन सकेगी, जितनी भी हाइट के लिए आप बनाना चाहते हैं वो आप इजीली बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुला जो है वो ये काम काफ़ी, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी दी हुई है। इसके अलावा उन्होंने साथ नीचे पैच भी दिया हुआ है, पैच भी ऑलमोस्ट 3 इंचज़ का है, तो वो उसके उसके साथ भी जो है वो लेंथ आप अगर ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लंबी शर्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। कपड़ा इन्होंने मतलब बहुत दिया हुआ है, जिस तरह विड्थ आप देख सकते हैं तो लेंथ भी देख सकते हैं, तो वो खुला है, मतलब कपड़े का भी कोई इशू नहीं है। तो उस तरह से भी अगर आप देखें तो फ्रंट साइड में आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये लेंथ इसकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये मैं अभी आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ये स्लीव्स हैं, इसके बाजू हैं, बाजू का जो काम है वो ज़्यादा जो मेन है ये आप देख सकते हैं, ये थ्रेड वर्क है, इसके ऊपर बूटी हुई हुई है, बूटी का काम है, और उसके अलावा ये जो है ये तिल्ले का काम है इसके अंदर, और ये आप देख सकते हैं बाजू के लिए अलग से ये एक बना हुआ है, इस तरह का उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, कोई सीक्वेंस उस तरह से नहीं है जिस तरह फ्रंट साइड का था, वो काफ़ी अच्छा है। तो ये बाजू है, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इस तरह से ये बाजू पे काम हुआ हुआ है, और
ये बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, इस तरह से लुक आएगी बाजू की। तो ये इस तरह से बाजू जो है वो दिए हुए हैं, इसके साथ आगे पैच है जो कि अलग से सेपरेट उन्होंने दिया हुआ है कि आप आगे अटैच कर सकते हैं। तो ये आगे ज्वाइंट करने के बाद जो है ये काफ़ी अच्छी लुक आएगी। ये बाजू जो है ये दोनों उन्होंने इकट्ठे कंबाइन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनके आगे फ्रंट में जो मेन साइड होगी आगे वाली बाजू की, उसके आगे आप पैच अटैच कर सकते हैं। तो ये अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बैक साइड है। बैक साइड में आप देख सकते हैं कि ये सारी नीचे जो है वो थ्रेड वर्क है, उसके साथ ये थ्रेड वर्क में ही ये बूटी जो है वो की हुई है ऊपर तक। और जो मेन है वो ये है कि जो काम है, मोटिव है, वो सारा जो है वो शोल्डर पे आएगा। बैक में जो है वो मेन शोल्डर पे काम है, बाकी नीचे जो है वो थ्रेड वर्क है। थ्रेड वर्क में सिंपल बूटी का काम उन्होंने किया हुआ है। तो जो सीक्वेंस या सितारा वगैरह है वो उन्होंने फ्रंट साइड पे दिया है, ताकि वो फिर अगर आप पहनते हैं तो उसमें चुभने में या कोई इशू वगैरह ना हो, तो फ्रंट साइड पे है। बाकी बैक साइड इस तरह से है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो जितने मोटिव और ऊपर जो मेन काम है वो सारा बैक की शोल्डर पे आएगा, और नीचे सिंपल बूटी का काम है थ्रेड में। और उसके बाद उससे नीचे जो है वो आप अगर ज़्यादा लेंथ करना चाहते हैं तो ये पैच जो है वो अटैच कर देंगे नीचे। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये क्लोज़अप दिखा देती हूँ कि कितना नीट काम है। अगर आप बूटी का काम देखें तो वो भी बहुत नीट है थ्रेड में जो किया हुआ है उन्होंने। तो ये मैं आप लोगों को स्टफ़ दिखा रही हूँ, और ये थ्रेड का काम। इसके साथ साथ जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं शलवार का कपड़ा कि वो किस तरह से है। तो शलवार जो उन्होंने अटैच की हुई है वो इसके साथ रो सिल्क टाइप जो है वो मटेरियल है, तो उसी को जो है वो इसके साथ दिया हुआ है शर्ट के साथ। ये आप देखें, कुछ लोग ये भी करते हैं कि आपको जो है वो पूरा सूट जो है शलवार या ट्राउज़र और शर्ट जो है वो दोनों वेलवेट में चाहते हैं कि हो, तो आप ख़ुद से भी वेलवेट जो है उसका ट्राउज़र ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो इन्होंने अटैच किया हुआ है वो रो सिल्क में किया हुआ है। तो ये भी जो है ये मतलब अगर आप नहीं वेलवेट पहनना चाहते तो रो सिल्क जो है वो काफ़ी अच्छी है उसकी रिप्लेसमेंट में। तो इन्होंने रो सिल्क का जो ट्राउज़र है वो अटैच किया हुआ है। तो ये इस तरह से जो है शलवार का कपड़ा है जो उन्होंने दिया हुआ है, ये रो सिल्क में है। शलवार जो है ये मतलब ठीक है, इन्होंने जो मैचिंग दी हुई है उसके साथ कलर के साथ तो वो ठीक है, उसकी कलर भी मैच कर रहा है और कपड़ा भी अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं, जिस तरह मैं मुझे भी ये कह रहे थे कि आप वेलवेट की जो है वो इसके साथ शलवार कर लें या ट्राउज़र, तो फ़िलहाल इस इवेंट के लिए तो मैं यही जो है वो स्टिच करवाऊंगी। लेकिन फॉर एन अदर इवेंट जो है वो मैं देखूंगी कि अगर मैं चेंज कर लूँ इसको वेलवेट में कर लूँ, या फिर मैचिंग जो है वो जामावार में भी हो सकती है। तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या इसके साथ ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है वेलवेट शर्ट के साथ। कपड़ा अच्छा है, आप देख सकते हैं, इतना मतलब लो क्वालिटी का नहीं है। कपड़ा बेहतर है जो इन्होंने ट्राउज़र का दिया हुआ है रो सिल्क का, और कलर वगैरह भी ठीक है इसका। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसकी बात करें तो शर्ट का भी आप देख सकते हैं कपड़ा जो वेलवेट है वो भी, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो भी अच्छी है। मतलब कुछ वेलवेट ऐसी होती है जो जर्सी टाइप होती है, स्ट्रेचेबल होती है, जिससे ये होता है कि आपकी बॉडी शेप पूरी की पूरी जो है प्रोमिनेंट होती है। तो ये इसकी अच्छी बात है कि ये स्ट्रेचेबल नहीं है उस तरह से। इसके अलावा कलर अच्छा था इसका, और कलर के अलावा जो काम उसके ऊपर है वेलवेट पे वो भी बहुत अच्छा है। जो उन्होंने कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है, ट्राउज़र है, दुपट्टा भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो भी बहुत अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक सब चीज़ें एक दूसरे को कर रही हैं। तो ओवरऑल ये है कि बहुत जो है वो अच्छी नहीं है, बहुत लो क्वालिटी भी नहीं है, बहुत टॉप नॉच क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये अभी आप लोगों के साथ मैं दुपट्टा जो है वो शेयर करूँगी कि दुपट्टा किस तरह का दिया हुआ है इसके साथ। तो दुपट्टे का स्टफ़ जो है वो उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे वो किस तरह का है, लेकिन ये बहुत फूला हुआ जो दुपट्टा होता है, बहुत अकड़ा हुआ दुपट्टा, जो कि आप अगर देखेंगे वो अगर आप इकट्ठा कर रहे होते हैं कुछ कपड़ों के साथ, वो भी ड्रेसेस के साथ दिया जाता है, डिज़ाइनर ड्रेसेस जो होते हैं, तो वो भी एक मसला होता है। लेकिन ये उस तरह से भी नहीं है, सॉफ्ट है, आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं, ये इकट्ठा भी हो जाता है। तो इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसकी लुक, यहाँ से इस तरह जिस तरह शिमर है वो इसके अंदर है, और इसकी जो साइड्स हैं दोनों उसमें इस तरह से पैच जो है उन्होंने अटैच किया हुआ है पहले से। और जो बॉटम साइड्स हैं दोनों उस पर आप काम देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी काम हुआ हुआ है दोनों साइड्स पे, बॉटम वाले जो दुपट्टे की साइड्स हैं। और इसके अलावा जो है इसके साथ इन्होंने अलग से एक पट्टी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, 1 इंच की तकरीबन है ये पट्टी, इस पर काम हुआ हुआ है तिल्ले का। ये पट्टी जो है ये चारों साइड्स पे लगाने के लिए है कि आप दुपट्टे के चारों साइड्स पे लगा के उससे कवर कर सकते हैं इस पट्टी से।
एक मैंने पहले एक सूट लिया था वो ब्रॉक का था, तो उसमें जो है वो पट्टी अलग से नहीं गेवन थी, तो मुझे खुद ख़रीद के दुपट्टे पे लगानी पड़ी थी। तो ये एक इसकी अच्छी बात है कि इसमें गेवन है वो, आप ये आप देखें पिक्चर में जिस तरह अटैच की हुई है, तो ये एक सिंपल सिलाई के साथ भी आप लगवा सकते हैं, क्योंकि जो पहले अटैच हुआ हुआ है वो भी पैच सिलाई के साथ ही है। तो ये इस तरह से है ओवरऑल जो मैंने आप लोगों को शो करवाया है, दिखाया है कि ये इसकी शर्ट किस तरह की थी और ट्राउज़र और दुपट्टे वगैरह का सारा। इसके अलावा इसकी प्राइस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये 10,950 है इसकी प्राइस जितने मुझे मिला है ये। तो ये बहुत इकनॉमिकल है, अगर मैं ओवरऑल इसकी क्वालिटी का बताऊँ, कलर का हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी थी। और ये इसका नंबर है V405 जो है ये नंबर है इसका। और अगर ब्राइडल मतलब सॉरी ये आप लोगों को डिज़ाइनर इस उसमें मिल जाता है रेंज में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इकोनॉमिकल है आपको मिल रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके कलर्स कौन कौन से हैं, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो ये इस तरह से मल्टीपल कलर्स में ये अवेलेबल था और डिज़ाइंस वगैरह भी डिफरेंट थे, लेकिन ये है कि मुझे इन सब में ब्लैक अच्छा लगा था जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ब्लैक का ये था कि इशू ब्लैक जो है उसकी के साथ जो दुपट्टा गिवन था उसकी विड्थ कम थी, तो दुपट्टा की अगर चलो विड्थ कम भी है तो वो भी आप चल जाता है क्योंकि अपने गले में लेना होता है या इस तरह, लेकिन नॉर्मल दुपट्टे से जो है उसकी विड्थ कम थी, शर्ट का काम उसका अच्छा था, तो इस वजह से मैंने जो है वो चूज़ नहीं किया था और मैंने ये वाला ले लिया था ड्रेस। तो बाकी ये कलर्स वगैरह इस तरह से अवेलेबल हैं। और इसका दुपट्टा ये है कि नेट में था ब्लैक का, तो कुछ के साथ दुपट्टा नेट में गिवन था, कुछ के साथ इस तरह से था जिस स्टफ़ में मैंने लिया है। तो ये आप आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का लेना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल था सारा जो मैंने आप लोगों को ड्रेस का दिखाया, क्वालिटी उसकी और इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, उसका स्टफ़ कैसा था और प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है अगर आपने किसी फेस्टिवल के लिए लेना है। तो ये ओवरऑल सारा इसका रिव्यू था जो कि अच्छा है मेरे ख्याल से, अगर आप लेना चाहते हैं सर्दियों के लिए और किसी फेस्टिवल के लिए तो वो आप ले सकते हैं। प्राइस वगैरह भी अच्छी है इसकी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी हो, अच्छी हो, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं इसी स्टफ़ में, स्टफ़ इसका काफ़ी अच्छा है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।